नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूं, जैसे कि फोल्डिंग सीढ़ी चढ़ाया जाता है, कई जगह इसको चैन वाला सीढ़ी बोला जाता है, कई जगह फोल्डिंग पौड़ी बोला जाता है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा सीढ़ी का नापी जो होता है उसको किस प्रकार से किया जाता है, और जो इसका सेटरिंग होता है उसको किस प्रकार से किया जाता है, और नापी में बिल्कुल सीढ़ी जो होता है उसको किस प्रकार में चढ़ाया जाता है। तो आज के बारे में यही बात करेंगे दोस्तों। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों सीढ़ी चढ़ाने के लिए जैसे कि देख सकते हैं, एक चैनल हम यहां से लगाए हुए हैं, थोड़ा सा नीचे से उठा के, और एक चैनल ये हमारा लगा हुआ है, और बीच में ये बल्ली लगा हुआ है, और इसके बाद में फट्ठा हो तो फट्ठा भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये लोहे का प्लेट है तो लोहे का प्लेट हम बिछाए हुए हैं। तो दोस्तों कहीं भी करना हो तो ऐसे आप ही करें। और सबसे पहली बात रह गया दोस्तों जो मतलब इसको चढ़ाना कैसे है। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारा टॉप लेवल है और ये जो डीपीसी का लेवल है, इसको सबसे पहले मिनती करना है। तो मान लीजिए कि ये हमारा हाइट है 11 फुट, तो 11 फुट को हम इंची में कन्वर्ट करेंगे तो 132 इंची हुआ, और मान लीजिए कि उसके ऊपर हम 6 इंची का लेंटर भी डालेंगे तो 132 और 6 इंची 138 इंची हो गया। तो 138 इंची हो गया, 138 इंची में अब मान लीजिए कि अब चाहिए कि ये जो हमारा राइजर है, अब जितने इंची को चढ़ाना है राइजर, मान लीजिए कि अगर 6 इंची का चढ़ा, आम घर में तो 6 इंची का ही होता है, तो अगर 6 इंची का चढ़ाना है तो 6 से भाग करेंगे, और 7 इंची का चढ़ाना है तो 7 से भाग करेंगे, और 8 इंची का चढ़ाना है तो 8 से भाग करेंगे। तो दोस्तों हम 8 इंची का चढ़ा रहे हैं ये जो राइजर है, तो 8 से जब भाग कर लेंगे तो भाग करेंगे तो हम 8 से ही भाग किए हुए हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल तौर पर मैं बता रहा हूँ कि 17 स्टेप होगा हमारा, तो 17 स्टेप हुआ, तो 17 स्टेप हुआ तो 17 हमको बैग भी आना है, तो 17, तो 17 स्टेप में हमको पता लग गया है जी मतलब 17 ही हमारे को खड़ा ही हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये जो पट जिसके ऊपर इसको ट्रेड बोलते हैं, इसको इस पर जो हम पैर रखते हैं इसको ट्रेड बोलते हैं, तो ये 10 इंची का चढ़ा रहे हैं, 8 का और ये 10 का है, तो ये जो हमारा खड़ाई है सीढ़ी का ये हमारा 17 हो गया। और मान लीजिए कि ये 10-10 इंची का चढ़ा रहे हैं ये वाला, तो 170 इंची हमको पीछे जगह चाहिए, जैसे कि देख सकते हैं किस प्रकार से हम चढ़ाए हुए हैं। और सबसे पहले एक जो हमारा स्टेप है ये पक्का है, और दूसरा स्टेप है ये हाफ बना हुआ है 5 इंची का, और 3 इंची इसके ऊपर यहाँ से ये वाला कंक्रीट होगा सरिया बांधने के बाद, ऐसे ही बांधते हुए। और ये जो हमारा 3 फुट का ये जो है चौकी, इसमें एक बीच में क्रॉस काटा हुआ है। और दोस्तों मेन बात रह गया कि लगाते इसको किस प्रकार से है, ये कई जगह कई प्रकार से लगाया जाता है इसको, कई जगह प्लाई का भी बनता है, कई जगह फट्ठे का भी बनता है, लेकिन हम वैसे नहीं, हमारे पास प्लाई का सामान नहीं है, तो हम दोस्तों इसको नया फार्मूले ईंट से ही चढ़ा रहे हैं। कच्चा ये मसाला है, चाहे आप चाहे तो चाहे नॉर्मल मसाला बना सकते हैं, 10-12 का मसाला से आप चढ़ा सकते हैं इसको। 8 और 10 का स्टेप है, तो 10 इंची जो हमारा ये ट्रेड है जिसके ऊपर हम पैर रखते हैं, यहाँ पे यहाँ से निशान लगा देंगे, और यहाँ भी उतना ही पे निशान लगा देना है, फंठी पकड़ना, और एक फंठी रखना है इस निशान में और इस निशान में, बिल्कुल अच्छी तरह से मिला के रख लेना है, और उसके बाद में यहाँ मसाला बिछा लेना है। ये जितना हम ईंट लगा रहे हैं दोस्तों ये सब ईंट निकल जाएगा, और खाली कंक्रीट जो हम इसके ऊपर भरेंगे वही रहेगा इसके ऊपर। और बिल्कुल फंटी में मिला मिला के अच्छी तरीके से इसको लगा देना है। मान लीजिए कि हम 3 फुट का हमारा जब सीढ़ी है ये, तो 4 इंची यहाँ पे ये साइड में ऐसे रोक लगाने के लिए भी जगह मतलब ज़्यादा ही रखना पड़ेगा 4 इंची। तो ये जो हमारा ट्रेड था जिसके ऊपर पैर रखते हैं ये 10 इंची हो गया है, अब इसके ऊपर हम यहाँ से मसाला अच्छी तरह से बिछा के,
और एक ईंट यहाँ पे रख लेंगे। और दोस्तों जितने इंची का आप चढ़ा रहे हो यहाँ से मिनती कर लेना है, तो हम 8 इंची का चढ़ा रहे हैं तो 8 इंची हमारा करेक्ट है यहाँ से। और दूसरा ईंट यहाँ पर जब रखेंगे यहाँ से, और ये वाला ईंट जो लगाया है इधर का, इसमें हम लेवल कर लेंगे। तो लेवल में बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तभी जाके ये जब ईंट सेटिंग खुलेगा तो नीचे से बिल्कुल बराबर दिखने में लगेगा। तो लेवल में बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। और उसके बाद में यहाँ भी इस नुकर में साल कर लेना है, ये आगे पीछे ना हो, क्योंकि ये वाला ईंट नीचे जो लगा हुआ है बिल्कुल नापी में है, बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ भी साल कर लेना है और अच्छी तरह से सूत बांध दिए है यहाँ और यहाँ पे, और बिल्कुल ये सूत में मिला मिला के ईंट जो लगाना है बिल्कुल सूत में मिला के रख देना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से। और जब दोस्तों ये सीढ़ी जब ऊपर तक चढ़ जाए, इसके बाद में जो बारीक रेत का मसाला होगा इसमें अच्छी तरह से प्लास्टर करके और मोगलाई लगा देंगे इसमें, और इसके ऊपर प्लास्टर करने के बाद में फिर सरिया बनाएगा अच्छी तरीके से। तो जो सीढ़ी होगा बिल्कुल साफ सुथरा निकलेगा और बिल्कुल बढ़िया तरीका होगा। और एक बात बताना चाहूँगा, कि मान लीजिए 3 फुट का हमारा चौकी जब बनेगा यहाँ पे, तो जब इधर से हम चढ़ाते जाएंगे तो मान लीजिए कि 3 फुट, तो 3 फुट हमारा यहाँ है, तो ये 2.5 फुट में ये स्टेप ये वाला बनेगा। और जब यहाँ से हम आगे बनाते जाएंगे यहाँ से, तो ये हमारा 3.25 पे ये पहला स्टेप बनेगा यहाँ से, जैसे कि देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ जब हम कंक्रीट भरेंगे तो ये 3 फुट में हो जाएगा, और जो ये 2.75 फुट है यहाँ हम कंक्रीट भरेंगे तो ये 3 फुट हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी था दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।